नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंट हाउस के बिजनेस के बारे में। कैसे आप टेंट हाउस का बिजनेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आप इस बिजनेस को कैसे शुरू करें, कहां पे शुरू करें, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी और इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, हर एक चीज इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पे बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, एक टेंट हाउस का बिजनेस कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा भाई, आज के डेट में गाँव देहात हर जगह टेंट जरूरी होता है। मतलब शादियां हों, पार्टी हों, है ना, कहीं तिराहे में देखा हो आपने टेंट लगा है, कहीं आप या आपने कहीं देखा हो कि इस शादी हो रही भाई कितना बड़ा टेंट लगा है। अब ये बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। आपके पास 2 लाख 5 लाख रुपए भी हैं तब भी ये बिजनेस चल सकता है, और आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं तब भी ये बिजनेस चलता है। एक छोटा सा काम अगर शुरू करना है आपको 5 लाख कम से कम चाहिए, 5 लाख में आप टेंट का काम शुरू कर सकते हैं, है ना। अब ये देखिए, आपने देखा हो कि भाई जहाँ बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, वहाँ पर कितने बड़े बड़े टेंट लगते हैं, तो भाई उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बड़े लेवल पे होता है वो काम। लेकिन अगर आपको शुरुआत करना है छोटे लेवल से, 5 से 10 लाख के बीच में, और ये दो है 2-3 साल में आपको पूरा रिटर्न दे देगा। जितना आपने पैसा लगाएगा ना, आपको हो सकता है एक साल दो साल में आपका पूरा रिटर्न आ जाए जितना आप लगाएंगे, क्योंकि कमाई भी इस तरह से इसमें होती है। सिंपल सी बात भाई, एक जगह टेंट लगाना है तो क्या है, 10,000 से कम नीचे तो बात नहीं होती। गांव वगैरह में कम से कम 10,000 रुपये चाहिए, तो गांव वगैरह में 10,000 रुपये मिनिमम देखा जाता है कि टेंट लगाने का मिल जाता है कम से कम। वैसे तो 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, फिर वो उस लेवल पर जो काम करवाता है उस हिसाब से पैसा मिलता है। तो ये बिज़नेस शुरू करने के लिए, ये काम शुरू करने के लिए भाई, अब टेंट हाउस कैसे शुरू करें, आप देखते हैं भाई। आपके घर में भी किसी की शादी हुई होगी, है ना, तो आपने टेंट वगैरह बुक किया होगा, तो कितना पैसा लगता है। उन लोग आके अपना सामान वगैरह लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, एक दिन के लिए अपना प्रोडक्ट जो है रखे रहते हैं सामान, टेंट लगाते हैं, आपको बर्तन देते हैं, जनरेटर होता है, नीचे मैट लगी होती है, ये सब चीज़ें आपने देखा हो ना, ये तो इतना कॉमन है। तो इन ही सब का किराया आपको मिल जाता है आराम से, है ना। अब इसे शुरू कैसे किया जाए, सबसे पहले तो आपको 5 लाख रुपए इकट्ठा करना है, 5 लाख रुपए। अब आप शहर में जाइए, सिटी में बहुत सी ऐसी एजेंसीज हैं जो टेंट का सामान देती हैं, सप्लाई करती हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करिए, है ना, उनसे बात कीजिए कि भाई टेंट का काम शुरू करना है, कितने तक का हमारा जो वो है शुरू हो जाएगा। तो एक लिस्ट बना के देगा कि आपको जो है कितनी सीलिंग चाहिए, कितनी कुर्सी चाहिए, कितनी बर्तन चाहिए, कितने गंजे चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये सब लिस्ट बना के देगा, उसका एक एस्टिमेट बना देगा। अब आप जो है उन प्रोडक्ट को खरीदिए, दूध है ना, और घर ले आइए सिंपल, और अपनी मार्केटिंग थोड़ा कीजिए। दूसरा कहाँ से और सामान खरीदना है, दूसरा आप देखे होंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो टेंट का सामान पुराना बेचते हैं, जो पुराना टेंट का सामान बेचते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, और वो जो है आपको प्रोडक्ट जो है सेकेंड हैंड रूप से दे देंगे, ठीक है। तो सेकेंड हैंड आपको सामान कई जगह से ख़रीद लेना है तो कम रेट में मिल जाएगा, अगर सेकेंड हैंड मिल रहा है तो ऐसे कॉन्टेक्ट करते 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 आपको जो काम जो है चलने लगेगा। अब इसकी मार्केटिंग कैसे करना है, है ना, आप चाहे गाँव में शुरू करें चाहे शहर में। अगर शहर में शुरू करेंगे तो थोड़ा बड़ा लेवल चाहिए, वहाँ का थोड़ा लोग जो है बहुत हाई फाई क्वालिटी का सामान चाहिए, थोड़ा ज़्यादा स्तर का होता है ना। फिर भी अगर गाँव में शुरू कर रहे हैं या फिर छोटे मोटे शहर में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ऑर्डर कैसे लेने हैं, आज की डेट में कॉम्पिटिशन भी बहुत है। मार्केटिंग आपको करना है। मार्केटिंग कैसे भाई, जब लोगों को बताओगे, फ्लैक्स लगवा दो दीवालों पे, आप जाके हर जगह दीवालों पे लिखवा दो कि दिस टेंट हाउस, सचिन टेंट हाउस, है ना, अमर टेंट हाउस, ऐसे करके अपना नाम दीवालों पे लिखवा दे, कॉन्टैक्ट नंबर डलवा दे, पहला। दूसरा, आप जब गांव में ये बिज़नेस शुरू करेंगे तो वैसे ही गांव में पूरी चर्चा हो जाती है कि भाई इसने ये बिज़नेस शुरू किया है। शहर में करेंगे तो शहर में थोड़ा मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एक किराए की दुकान कहीं पे लेके एक मेन रोड पे बैठना पड़ेगा जहाँ पे लोग बाग को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा, कहाँ से ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने के तरीके, दूसरा ऑर्डर लेने का तरीका ये है कि आपको शहर में, अपने शहर में ही ये पता लगाना है कि भाई किस घर में शादी है। हर जगह जब शादी का सीज़न आता है तो घर घर जाके पंपलेट बनवा दे, बैंड बैनर बनवा दे, वहाँ पे जाके पता करें कि शादियाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो उस जगह आपको ऑर्डर मिल सकता है। बर्थडे वगैरह के लिए आप देखें कि आज कहीं बर्थडे है, किसका बर्थडे, तो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप फेसबुक में देखिए कितने लोग का बर्थडे दिखते रहता है, तो उनको मैसेज भेज सकते हैं कि भाई हम लोग का टेंट का काम है, है ना, अगर पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करनी है। तो ऐसे करके आपको मार्केटिंग करना है, थोड़ा बताना है लोगों को, जिससे आपको ऑर्डर मिले। अब ऑर्डर के लिए सिंपल क्या करना है, मार्केट में जो रेट चल रहा है, यानी कि अगर 1,000 रुपये एक सेलिंग कर लेते हैं वैसे, तो आप 800 रुपये लीजिए शुरुआत में, 800 रुपये में आप लगा के दीजिए कम पैसों में, ठीक है। और जैसे करके ना आप
लोगों को जब कम पैसा लेंगे, एस्टिमेट कम देंगे, तो आपसे वो काम कराएंगे और आपको ही ऑर्डर देंगे। तो ऐसे करके आपका काम धीरे धीरे जो है चलने लगेगा। तो ये सब चीज़ें करके आप एक टेंट का काम जो है शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट की अभी बात कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट होता है टेंट के बिज़नेस जो कोई भी करता है, तो उसमें प्रॉफिट भाई अच्छा खासा मिलता है ना। यानी कि आप 5 लाख लगा दिए हैं, एक जगह टेंट लगाने जाते हैं तो उसमें 10,000 से 15,000 मिलता है एक शादी में। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम एक 10 से 15,000 मिलता है ना, कम से कम। अब वो 10 से 15,000 मान लो आपने 15,000 पाया, तो 5,000 रुपये भी अगर मोटा मोटा खर्चा निकालेंगे ना, लेबर का खर्चा जो वहाँ पे लगा है, बाकी लेबर का ही खर्चा लगता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो लेबर खर्चा बाकी 10,000 तो आपका बचा। तो ऐसे करके आपने आपको सीजन में 20-25-30 शादियाँ अगर आपने पकड़ ली, 20-25-30 शादियाँ, तो आपका कितना 2-3-2-2.5 लाख रुपए तो ऐसे ही बन गया। और ज़रूरी नहीं कि हर शादी में आपको 10,000 ही मिले, किसी में आप 20,000 भी लेंगे, किसी में आप ज़्यादा काम देंगे तो 30,000 भी लेंगे, और किसी शादी में आप कम पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कम। ऐसे करके एक एस्टिमेट भाई 2-2.5 लाख-3 लाख का बिज़नेस आराम से कर लेंगे एक सीज़न में ही, 5 लाख-6 लाख लगाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके ना आप जो है इस बिज़नेस में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिगरा चाहिए भाई, तामझाम भी बहुत करना पड़ता है, मगजमारी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कहीं आग ना लग जाए, कहीं सामान ना ख़राब हो जाए, कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर कुछ गड़बड़ हो गया, किसी को करंट लग गया, तो वहीं के लोग आपको मारने लगते हैं, वहाँ के जो काम करने वाले वर्करों को, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों का मतलब झंझट भी बहुत है, ऐसा नहीं है। और बिज़नेस भाई, बिज़नेस में झंझट नहीं होता तो क्या, झंझट तो हर बिज़नेस में, हर काम में। तो मगजमारी थोड़ा है, पर पैसा भी अच्छा मिलता है। आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे उससे इनकम करते रहिए और उसको बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि 5 लाख का सामान ला के रख लिया तो बस उसी में काम करते रह गए, उसको धीरे धीरे ग्रो करते रहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, तब जाके आप उसमें और ग्रोथ पाएंगे। और उसी पैसे को री इन्वेस्ट कीजिए, उसी में टेंट बड़ा होते जाएगा। आप फिर जब आप टेंट आपका खूब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 20 लाख-25 लाख का सामान हो जाएगा, आपको ऑर्डर भी बड़े मिलेंगे। यानी कि आपको कहेंगे कि भाई 1.5 लाख का ऑर्डर एक जगह मिल गया, 2 लाख का ऑर्डर एक जगह मिल गया, 50,000-60,000-1 लाख ऐसे ऑर्डर मिलेंगे। तो प्राइस भी बढ़ते जाएगा, आपका सामान बढ़ते जाएगा, तो क्योंकि उस हिसाब से आप क्वालिटी दे रहे हैं। दूसरा, आप सफाई का ध्यान दें जब आप काम करें, तो एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम बनाएं पूरा कि भाई हमको ये चीज़ें करनी है फिक्स टाइम पे, ऐसा चीज़ें हो जाएं, कुछ मिसमैच ना हो। ऐसे करके पूरा प्लान करके आप जो है काम कर सकते हैं, इसमें अच्छी खासी कमाई है। बिज़नेस शुरू करें अगर करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले पूरी प्लानिंग समझें, सोच लें, समझ लें, देन इसके बाद पैसा इन्वेस्ट करें अगर आप कर सकते हैं इस तरह का काम। नहीं तो आप इन सब में पैसा मत फंसाइए। अगर आपको झंझट नहीं पसंद, मगजमारी नहीं करना बहुत, तो इसमें पैसा मत फंसाइएगा। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, मिलते फिर अगली वीडियो में, और फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। भैया धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को अगर वीडियो पसंद आया तो, और इससे रिलेटेड और वीडियो देखना है तो फिर हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।